हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, मैं 9 बजे शुरू कर रही हूँ, तो मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ईजी और बहुत टेस्टी बनती है, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, अभी शिवान पढ़ाई कर रहा है। देखिए, पहले से हमने हाथ में लिखा है, क्या लिख रहा है शिबू? ए बी सी डी। दीपू बुआ की कॉपी है। दीपू बुआ पिताई कर देगी। कहाँ गई दीपू बुआ? स्कूल गई दीपू बुआ? कहाँ गई? देखिएगा इसके आगे लिखा देगा। पूरे हाथ में लिख दिया मैंने, से कॉपी ली नीचे बैठ के, यहाँ पे ज्योमेट्री खोल के लिख रहा है। वाह, ए फॉर एप्पल ऐसे लिखते हैं। देखो उसने क्या बना लिया। ए फॉर एप्पल लिखो। वाह, टू बना दिया। लिखो लिखो लिखो, साइन कर रहा है। दे भंडारी है, बोला भंडारी क्या? पेपर है आपके, पढ़ाई हो रही है ना? दीपू की कॉपी से सारा पढ़ लिया आज शिवान ने, सारा। कॉलेज जाएगा अब सीधा। ओ, दीपू का नाम काट दिया। ओ तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल के आलू छील दिए हैं। तो चलेगा इस किचन में और बनाते हैं अपनी रेसिपी जो मैं आज बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने चावल भी हो रखे हैं, पूरे 3 घंटे हो चुके हैं, 3-4 घंटे। तो ये चावल है, अच्छे से भीग गए हैं देखो, और आलू उबाल के छील दिया है, तो इनको अब मैं पीसूंगी। तो ये मैंने चावल अच्छे से धो दिए हैं और चावल को मैं पीस लूंगी। ये चावल रख दिए मैंने इसमें धो के, इसमें 3 आलू काट के डालूंगी, इनको थोड़ा पानी डाल के पीस लूंगी। तो ये मैंने पीस लिया है, इसको मैं बाउल में निकाल दूंगी। तो बाउल में मैंने निकाल दिया है आलू और चावल का बैटर, इसमें डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स। हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा जीरा, स्वाद अनुसार डाल रही नमक, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गैस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसको मैं ढक के रख दूंगी, कम से कम 15-20 मिनट में इसको ढक के रखूंगी, फिर बनाऊंगी कुरकुरे पकोड़े। तो गैस आधे घंटे तक मैंने इसको रेस्ट पर रखा है, तो थोड़ा ये फूल गया है, तो अब बनाती हूँ इसके छोटे छोटे से पकोड़े। तो इसमें अभी कचरी तली थी, तो इस वजह से तेल में हो रहा है।
तो इनको अच्छे से कुरकुरा होने तक हम पकाएंगे। गैस ये हमारे अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं, मैंने निकाल लेंगे हमारे पकौड़ी। ये बन गई मेरी कुरकुरी आलू और चावल की पकौड़ी। बन गई हमारी कुरकुरी पकौड़ी, खाते से ग्रीन चटनी या लाल चटनी के साथ। चलिए गैस खाते हैं। ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है और ये रेड चटनी है, मतलब मीठी चटनी और चटपटी चटनी। ये थी मेरी आज की रेसिपी, आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हो अगली वीडियो रेसिपी में, तब तक के लिए बाय गाइस। जय श्री राम, श्री राधे राधे।